आगे वाला नहीं आना है, आगे वाला नहीं आना डेफिनेटली, थोड़ा दूर है भाई वाला। हिमांशु सामने सट जाओ, ये बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या कीजिएगा आपको, क्या लगता है पानी भी पिएगा? मेरी तरह धू धू करती आंखें चल रही है, इसी तरह
ऐसा ना कहो मालती, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। मुझसे नहीं होगा ये। मालती, अगर तुम कदीम से शादी नहीं करोगी तो ऐसा मत करो, मत करो। कदीम तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा सगा तो मेरा भाई। क्यों इसलिए तुम मुझे उससे शादी करने के लिए कहोगे? केवल केवल इसलिए मुझसे शादी नहीं करोगे? क्यों कदीम के लिए? मालती, अगर सुजीत ना होता तो उसके साथ ऐसा नहीं है मालती, वो तुमसे सच्चा प्यार करता था, ऐसे नहीं करना चाहता था तुम्हें। मुझे बहकाने की कोशिश ना करो, प्रदीप को मुझसे नहीं खा पाओगी इसीलिए ऐसा कह रहे हो ना? ऐसा नहीं है मालती, प्रदीप को क्या मैं खुद को मुख नहीं दिखा पाऊंगा। प्रदीप ने हमारे परिवार की सहायता तब करी जब हम लोग दादे दादे को मोहताज थे, और तुमसे ब्याह न करके मैं खुद भी सुखी नहीं रह पाऊंगा और तुमको सुखी भी नहीं रह पाऊंगा। देखो तुम करो ना करो, पर मैं किसी भी हालत में कभी भी ब्याह नहीं कर सकती, तब भी तुम्हारी हार होगी। मालती, अगर मैं तुमसे ब्याह नहीं करूंगा तो भी मेरी हार होगी, और अगर करूंगा तो भी, लेकिन प्रदीप तो सुखी रहेगा। ठीक है, मेरी और अपनी जिंदगी नष्ट करना चाहते हो? मालती, ये क्या कर रही हो? मालती,
माधवी 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 मैंने अपना कर्ज चुकाने के चक्कर में मालती को प्रदीप के हवाले कर दिया, जानबूझ के उसे नट में झोंका। और मालती मुझे माफ कर दो, मालती मालती मुझे माफ कर दो, मालती 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 उठो मालती। मालती को प्रदीप के हाथों सौंपा, लेकिन रोज पिसते पिसते वो मर गई, मर गई। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? हाँ, मेरी क्या गलती? समाज तो यही कहेगा वो प्रदीप के कारण मरी। हाँ सही तो है, मुझे समाज में जीना है, वो प्रदीप के कारण मरी। ठीक ही तो है, ठीक ही तो है। अरे शशि बाबू, बहुत हुआ, आइए लाइटी आशा खिला कर। बाजी बाजी बाबूजी।
शेयर कर रहे हैं। मान लीजिए आपको रास्ते में एक कीमती हीरा मिलता है, बहुत कीमती हीरा, लेकिन उसे घर में रखने का सामर्थ्य नहीं। फिर आप अपने स्वार्थ में उस हीरे को एक बड़े आदमी के हाथों भेज दे देते हैं, फिर वो उसका गंदी तरह इस्तेमाल करता है, बहुत गंदी तरह। फिर वो हीरा वापस उसी गंदी नाली में पहुंच जाता है। क्या हुआ योगे, पी लो, इन सबको नहीं पता चलेगा। अच्छा नहीं पियोगे, पियो या ना पियो अपनी कहानी कह डालो। मिली भी इसी तरह चल रही थी। हाँ मिली की कहानी कह डालो। क्या बात है बोलो। तौली के घर उसके लिए बर्थडे पार्टी थी ना। अरे इतनी रात को तुम मुझे बस गुड नाइट करके भागी जा रही हो। तुमने शराब पी है इसीलिए डर के भागी जा रही थी ना। वो पार्टी में थोड़ी ले ली अभद्रता। शराब ना पीना अभद्रता। डॉली के ऑनर में एक आधा ड्रिंक ले लिया, उसने जबरदस्ती पिला दी। जबरदस्ती? ऐसा ही लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती करते हैं ना। ऐसा नहीं है माधुरी, प्लीज गुस्सा मत करो, मैं कभी नहीं पीऊंगी। मेरे गुस्सा होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है लगी? हमारी सोसाइटी में जो चलता है वो तो मेरी खातिर क्यों? नहीं माधुरी प्लीज ऐसे मत बोलो, ये कहने के बजाय तुम मेरे गालों पे दो चाटे मार दो। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे जरा से गुस्से से भी बहुत डरती हो। सच मैं बहुत डरती हूँ, लेकिन वहाँ सोसाइटी में पार्टी में मेरी बातों की कीमत कानी कौड़ी भी नहीं रहती। ऐसा नहीं है इमान, तुम जानते हो कि तुम मेरे लिए क्या हो, तुम जानते हो। मुझे थोड़ा समय दो, मुझे समझ रही हूँ। मुझसे इतना गुस्सा रहोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। नहीं बिली नहीं, तुम हर बार ऐसे बहाना बना के नहीं बच सकती। ऐसे में एकदम अच्छी नहीं लगती ना, कुत्ते की तरह मुझे टुटला दिया, कुत्ते की तरह मैं फिर तुम्हारे पीछे आई। मैंने तुमसे भीख मांगी बार बार, पर तुमने कभी मेरे जीवन और उसकी परिस्थिति को समझने की चेष्टा ही नहीं की। नहीं बिली ऐसा नहीं है, तुम्हारे और मेरे जीवन में जो अंतर है वो अंतर नहीं है हिमाद्री, बस तुम्हें और मेरी जरूरत ही नहीं है। अगर तुम समझना ही नहीं चाहती तो मैं चलूं। कहां जाओगे? इससे मतलब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम कहीं नहीं जाओगे। आपके डैडी की नौकरी से मैंने इस्तीफा दे दिया है सोए, मेरा सूटकेस बाहर वाले कमरे में रखा है, अब आपसे कभी मुलाकात ना होगी। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी, उससे कोई फायदा ना होगा, हमारी दुनिया अलग है। हिमाद्री अगर तुम गए तो मैं किसकी बताऊंगी, पीऊंगी और पीते ही रहूंगी जब तक कि मैं जलता रात ना हो जाऊं। कांग्रेचुलेशंस दिखाए आपकी हिमाद्री। हिमाद्री
साधु बाबू शशिदा ज्यादा पी के गाड़ी मत चलाना, ज्यादा पीने के बाद होश हवास नहीं रहता। 50 मील, 60 मील, 70 मील और फिर पेट से धक्का लगता है, गाड़ी चलना चूर हो जाती है, शरीर के चीतड़े चीतड़े हो जाते हैं। ऐसा कि शरीर पहचाना भी ना जा सके। मेरे लिए भी एक पैक बनाइए। अस्पताल के सामने एक कंपाउंडर था, कई लोग आते थे वहां दवाई लेने। उनमें एक लड़की भी थी, बहुत खूबसूरत। ना जाने वो लड़की उस कंपाउंडर के मन को क्यों भा गई। दिन रात सुबह शाम शायद एक कहानी और, मतलब ये खत्म मिला उसके मन में रहती, ये अंत है। समय बीतता गया, 7 साल, 7 साल कोशिश करने के बावजूद वो कंपाउंडर उस लड़की से अपने दिल की बात ना करे। आखिरकार हिम्मत करके उस कंपाउंडर ने उस लड़की से 7 दिन का समय मांगा ताकि वो उससे अपनी दिल की बात कह सके। पर अचानक वो लड़की कहीं गायब हो गई और जिसका डर था वही हुआ, उस लड़की की शादी हो गई। नहीं नहीं, मेरी कहानी नहीं। और सुनने में आया कि वो लड़की अपने ससुराल में खुश न थी। नहीं दीजिएगा। ना क्यों नहीं दीजिएगा? क्या दूं? मेरा जिंदा रहने का कोई मायने नहीं है। क्यों तकलीफ और सही नहीं जानी क्या? तकलीफ के कारण नहीं आई हूं मैं। तो फिर क्यों बनना चाहती हूँ? पता नहीं, मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर इंसान क्यों जिंदा रहता है, क्या मिलता है उसे? किसी से पर उसमें तकलीफ होती है। तकलीफ नहीं है इसीलिए आपके पास आई हूँ। दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है इसलिए आपसे जहर मांगने आई हूँ। ये क्या कर रहे हो? नहीं, ये क्या कर रहे
चुका हूँ। सात साल प्रतीक्षा करने के बाद सिर्फ 7 दिन का समय मांगा था, नहीं वो भी ना मिला। शादी कर ली उसने,